साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ शिल्पग्राम में यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस का आयोजन 24 जनवरी को होगा। यूपी दिवस की खास बात यह है कि यूपी दिवस की थीम निवेश और रोजगार पर आयोजित होगी। वहीं आगामी 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच यूपी दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं संस्कृति विभाग ने इस आयोजन की रूपरेखा को तैयार कर लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विभांशु। विभांशु, सीएम योगी 24 जनवरी को यूपी दिवस का आयोजन करेंगे। जी नंदनी, आपको बता दें शुरुआत 24 जनवरी से हो रही है। आपको बताएं कि नोएडा लखनऊ में इस आयोजन का मुख्य रूप से आयोजन होगा। अगर बात करें तो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगर बात की जाए तो 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार के दौरान अवध शिल्पग्राम का निर्माण किया गया था। खास तौर से अगर देखें तो ये बाजार बनाई गई थी जहाँ छोटे और मध्यम व्यापारी अपने जो हैंडीक्राफ्ट है या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो सरकार का एक नारा है कि एक हर जिले का एक प्रोडक्ट होगा, उसको कहीं ना कहीं वहां प्रदर्शित किया जाएगा। वही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूलों के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और साथ ही साथ नोएडा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो उत्तर जिला है वहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिला मुख्यालय पर। और बात की जाए तो हर एक जगह पर योगी सरकार का नारा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के नारा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले का एक उत्पाद उसकी पहचान होनी चाहिए। उसी को मैं आपको बताया कि हर एक जिले में जो भी उत्पाद है, चाहे वो बात की जाए तो कहीं गन्ना हो, कहीं बात की जाए तो आम हो, कहीं बात अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है। वही अगर कुशीनगर चले तो वहाँ केला रखा गया है। नगर के अंदर सारा नमक चावल रखा जाता है। इन सभी उत्पादों को यूपी महोत्सव होगा, वहाँ हर एक जिले में उत्पादन को प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा। साथ ही साथ बात करें राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम के अंदर में तमाम ऐसे स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग की तरफ से जो छोटे व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, उनके उत्पादों को प्रदर्शनी के रूप में रखा जाएगा, जिससे वहाँ लोग आकर और उनके उत्पादनों को कहीं ना कहीं सराहे और साथ ही साथ उनके उत्पादनों को एक अलग पहचान मिले। इसके लिए योगी सरकार लगातार तत्पर है और 34 तारीख से इस आयोजन का अवध शिल्पग्राम में आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिसालों से विभांशु, जैसा कि आपने बताया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर सीएम हमेशा जोर देने को कहते हैं, वहीं ये तीन दिन तक ये पूरा यूपी दिवस चलाया जाएगा। इसके बाद निवेश और रोजगार की भी बात की जा रही है इसमें। बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो नारा है कि ट्रिपल थ्री यानी की टेक्नोलॉजी, ट्रेड और टूरिज्म, तो ट्रेड जो कहीं ना कहीं नारों में से एक निकल जाता है, ट्रेड, इसको ध्यान में रखते हुए अवध शिल्पग्राम में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। वही आपने पूछा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत योगी सरकार हर एक जिले को एक पहचान देना चाहती है और लगातार इसको लेकर काम किया करती है। अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हर एक स्टेशन पे जो भी हर एक जिले का स्टेशन होगा वहाँ का जो उत्पाद होगा, उत्पादन होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट जिस जिले की प्रोडक्ट होगी सबसे बेहतरीन, वो उसको रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित की जाएगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि जहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लगभग अगर देखें तो योगी सरकार के पूर्व सरकार में भी चलता रहा और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री लगातार इसकी सराहना करते रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन जिलों के जो उत्पाद है वो कितना देश और विदेश में अपनी पहचान बनाते हैं। अगर बात की जाए नंदनी, कहीं ना कहीं जो आम जो किसान है और साथ ही साथ हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट के कलाकार है, जो तमाम है जरी की कारीगरी से लेकर किचन की कारीगरी से लेकर जो कलाकार है, उनको एक नई पहचान मिलेगी और उनके उत्पादों को कहीं ना कहीं देश विदेशों में भी एक अलग पहचान देखने को मिल सकती है। और यूपी महोत्सव की शुरुआत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक
की तरफ से की गई थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये कहे आज उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको एक अलग पहचान देते हुए नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। चलेगा आपको बता दें निवेश और रोजगार को लेकर खास मुख्य इस पर ध्यान दिया गया है। सीएम योगी इस यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक कड़ाके की ठंड के बीच 9 दिन में करीब 130 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल के मरीजों के लिए यह मौसम बेहद खतरनाक बना हुआ है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भारी ठंड के बीच खून के थक्के जमने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस कड़ाके की ठंड के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के काफी मामले सामने आ रहे हैं। इस ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें किशोरों को भी दिल का दौरा पड़ा है। आपको बता दें कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसे ठंड से बचने के लिए जरूरत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल। अनिल, देखा जाए कानपुर में लगातार ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है और जिस तरीके से वहां पर ठंड को लेकर काफी हार्ट अटैक की मौतें की खबर सामने आ रही है, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं बता दूं कि कानपुर में लगातार ठंडी का कहर होता जा रहा है और इसके अलावा कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे शहर है जहां पे कोहरे का और ठंडी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके अलावा बता दूं कि कानपुर में जिस हिसाब से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। मैं बता दूं कि लगभग 1 जनवरी से और अब तक की जो स्थिति है, कानपुर में लगभग 125 मौतें हो चुकी है, जिस जो की मौतों का आंकड़ा है वो काफी सोचने वाला होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार सर्दी का कहर बढ़ रहा है तो पूरे कानपुर में जगह जगह पे सरकार ने, जब कुछ दिनों पहले जब सरकार ने इस चीज को सारे नगर आयुक्तों को बोला था तब जाके व्यवस्थाएं कानपुर में भी सही की गई थी और जितने भी जगह है हर जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं। उसके अलावा डीएम और महापौर जगह जगह जाके औचक निरीक्षण कर रहे हैं, रात को भी निकल रहे हैं, रात को निकलने के बाद औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी वगैरह भी हैं, वो भी इन सब चीजों को नजर रखते हुए काम कर रहे हैं। हालांकि जब हमने हृदय रोग संस्थान के निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया कि जो केसेज है कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण सिर्फ सर्दी है। इसके अलावा बता दें कि सर्दी में उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से सर्दी में जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, नसें सिकुड़ने के बाद में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, जो कि हार्ट तक ब्लड पहुंचने में बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसके चलते उन्होंने एक नया इंजेक्शन और आया है। यदि 6 घंटे के अंदर यदि वो इंजेक्शन किसी भी मरीज को दे दिया जाता है जिसको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से संबंधित समस्या है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि अगर 6 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन दिया जाता है तो वो जितने भी ब्लॉकेज नसें होती हैं वो सभी को खोल देता है। हालांकि कानपुर का हृदय संस्थान जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है और कानपुर के लगभग 17 से 18 जिले हैं जो कि आज के टाइम पे हृदय रोग संस्थान में जितने भी पेशेंट हैं वो हृदय रोग संस्थान ही बेच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय रोग संस्थान का भी एक अहम रोल इसमें दिख रहा है। हालांकि निदेशक कृष्णा जी का साफ साफ कहना है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं हो रही है वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने भी जमीन पर उतर के इसको देखा तो कहीं ना कहीं वास्तविकता देखी कि हृदय रोग संस्थान जिस हिसाब से काम कर रहा है काफी वो वाकई में सराहनीय है।
और जो वहां के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा भी किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि अभी लगभग आज और कल मौसम खुले रहने की संभावना है। इसके बाद 14 तारीख को फिर से शीतलहर आने की संभावना है। 14 जनवरी से 20 जनवरी तक ठीक इसी तरह से सर्दी का प्रकोप रहेगा। इसके बाद कुछ सर्दी का कंट्रोल हो सकती है। हालांकि कल से और आज में टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आई, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी के बढ़ रही है। जी, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अलाव और रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कानपुर में? जी, रैन बसेरों में और जितने भी क्षेत्र हैं जहां पे शेल्टर बनाए गए हैं, जो सर्दी में जो बाहर के मजदूर हैं, जो जिनके रहने का खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, नगर आयुक्त के द्वारा कानपुर में व्यवस्था कराई गई है। जितने भी रैन बसेरा हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही मंत्री शर्मा जी ने इस चीज के लिए साफ साफ बोला था कि जितने भी नगर आयुक्त हैं, जितने भी नगर निगम हैं, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कराए, जिसके चलते कानपुर में भी इन सब चीजों की व्यवस्था कराई है। जितने भी रैन बसेरा हैं, रैन बसेराओं में भी अलाव की व्यवस्था कराई गई, साथ ही वहां पे रुकने और ओढ़ने की भी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। अभी कल ही रात को प्रमिला पांडे, जो कि यहां की मेयर हैं, वो रात को निकली लगभग 12 से 1 बजे। वो खुद उन्होंने जमीन पर उतरी और उन्होंने देखा जो भी व्यवस्थाएं थी उसको सुचारू रूप से चल रही है या ना चल रही है उनको भी देखा है। हालांकि जो भी व्यवस्था है कानपुर में कहीं ना कहीं सही, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही है। जो सड़कों के किनारे जो मजदूर रहते हैं या तो जो भी भिखारी रहते हैं या तो ऐसे व्यक्ति जो कि रैन बसेरा में नहीं रह जाना चाहते हैं, हालांकि प्रशासन उनको भी अलर्ट किया था कि आप लोग सड़कों पर ना सोएं, कि जितने भी रैन बसेरा है या जहां भी छत हो वहां पे भी सो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी लापरवाही है जिसके चलते इन सब बड़ी समस्याएं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई। जी अनिल, देखा जाए जो कार्डियोलॉजी के प्रबंधक हैं उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें लगातार देखा गया है कि हार्ट अटैक से जो मौतें हुई हैं संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है, क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी, जब हमारी निदेशक जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितने भी मरीज हैं सर्दी के होने से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि यदि रात को व्यक्ति कोई उठता है तो अचानक से उठ के बिल्कुल ही जमीन पर पैर न रखे, उठने के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट बिस्तर पर बैठे, आराम से रिलैक्स हो, रिलैक्स होने के बाद ही बिस्तर से उठे। इसके अलावा उन्होंने भी बताया कि शरीर पे बहुत ही गर्म कपड़े ज्यादा पहने। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें बताई कि जैसे खान पीन को भी लेके इन्होंने सतर्क लोगों को सतर्क किया है कि खान पीन की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है कि फास्ट फूड और बाहरी खानों को इस टाइम इग्नोर करें। जितना भी जो भी पाचन जल्दी हो जाए उनके भोजन का भी प्रयोग करने के लिए बोला है। इसके अलावा जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सुबह टहलने जाते हैं, इस टाइम बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि सुबह का जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके अलावा यदि टहलना है तो दोपहर में भी टहल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनका साफ कहना था कि सर्दी से जितना ज्यादा बचाव किया जाए उतना बेहतर है। और बहुत से ब्रेन स्ट्रोक के इस टाइम मामले आ रहे हैं कि बहुत से लोग घरों के अंदर रात के समय हीटर जला के सो जाते हैं या तो अंगीठी जला के सो जाते हैं, जिससे रात को ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लगभग अमूमन जो कानपुर में केसेस इस टाइम आ रहे हैं वो ब्रेन स्ट्रोक के ज्यादा बढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि ब्रेन स्ट्रोक से बचना है तो रात को जो हीटर सो रहे हैं उनको नहीं चलाना चाहिए। जब तक घर में बैठे हुए हैं, जब तक उसको देख रहे हैं, तब तक जलाएं। उसके अलावा उन्होंने एक ये भी चीजें बताई कि यदि आप घर में हीटर जला भी रहे हैं तो घर के अंदर एक बाल्टी पानी भर के रख दें, ताकि जो टेम्परेचर होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे ब्रेन स्ट्रोक के भी मामले कम होते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।